তাদের দুজনের কাজই হচ্ছে দুজনের কাজই হচ্ছে হামলার মামলা। গত কয়েকদিন আমি ধন্যবাদ জানাবো এই 99.5 ভাইপোকে। আমরা বাঙালি তো আমাদের মানে আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড হয়ে যায়। সন্দেশখালি ইস্যুটাকে একটু ব্যাকে চলে গেছিল। আমি আইপ্যাককে আর পয়লা ভাইপোকে ধন্যবাদ দেব যে সন্দেশখালির ইস্যুটাকে আবার জাগিয়ে দিয়েছে এবং ফেক ভিডিওর এগেনস্টে তৃণমূলের গুন্ডারা কাল যেভাবে জনতার হাতে ধোলাই খেয়েছে আগামী দিনে এই একই পরিণতি ভাইপোর হবে, একই পরিণতি হবে। পুলিশ কা ফর্জি মামলা করনা বিজেপি কা তারকাটা কে খিলাফ আর গুন্ডা জৈসে শাহজাহান লাই গুন্ডা টিএমসি কা জো লোক আবি ভি বাহার হ্যায় ও লোক গুন্ডাগর্দি হামলা করনা হ্যায় উসকা আদত হ্যায়। আপ লোক দেখ লিজিয়ে জিস জিস এরিয়া মে গুন্ডাগর্দি হুয়া হ্যায় কোন লোক কিয়া হ্যায়। মুর্শিদাবাদ কা বহরমপুর কনস্টিটিউন্সি মে बड़वा में हुआ है माहे आलम ने किया, हिजलोना में हुआ है रायना बामदेव मंडल ने किया, चापड़ा में जो हादसा हुआ उसमें राजीव सिंह सीधा सीधा इन्वॉल्व है। ये लेकिन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस खुद का सुरक्षा पूरा दिया है और ईसीआई ने बंगाल का हालत का देखते हुए हर बूथ में वेब कास्टिंग का जो अरेंजमेंट किया है उसमें अच्छा तरीके से बूथ के अंदर बूथ कंपार्टमेंट फुल्ली सिक्योर्ड है और हम लोग करीब करीब पिछले जो 2019 और 2021 का चुनाव में जो एजेंट था बीजेपी का उससे भी ज़्यादा एजेंट इस बार हर पार्लियामेंट सीट में बीजेपी का कार्यकर्ता ने आपने उत्साह के साथ उन्होंने पोलिंग एजेंट का काम भी कर रहा है। हम लोग जितना कल मिडनाइट से जितना भी एलिगेशन दिया था उसका सीएपीएफ ऑब्जर्वर और ईसीआई का तरफ से जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। गांव के अंदर खास करके कुछ गुंडा प्रोन एरिया है वहाँ वोटर को रोका जा रहा है कुछ क्षेत्र में, लेकिन सीएपीएफ का जो कंट्रोल रूम कलकत्ता से मॉनिटर हो रहा है वहाँ इंफॉर्मेशन मिलते ही 15-20 मिनट 30 मिनट का अंदर क्विक रिस्पॉन्स टीम का रिस्पॉन्स भी मिल रहा। इसलिए 100% फ्री एंड फेयर वोट नहीं हो रहा है, ये सही है, लेकिन टीएमसी का गुंडा टीएमसी पार्टी पुलिस का साथ मिला भगत होकर पिछले जितना चुनाव में धांधली किया था इस बार जितना धांधली करने का मौका नहीं मिलता। अभी चुनाव चल रहा है, हम लोग का उम्मीद है 80% का करीब करीब चुनाव दी जाएगा और बीजेपी का जो सीट है इस 7 क्षेत्र में के अंदर 2 सीट हमारी है। इस बार काफ़ी सीट बीजेपी चुनाव जीतेगा और बंगाल में मोदी जी का लहर जो पूरा देश में चल रहा है उत्तर बंगाल में इसका धार जुड़ा हुआ है। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग मोदी हुए है, मोदी जी का लीडरशिप के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता मतदाता तैयार है। आज के संदेश का लिए তাদের দুজনের কাজই হচ্ছে হামলার মামলা। গত কয়েকদিন আমি ধন্যবাদ জানাবো এই 99.5 ভাইপোকে। আমরা বাঙালি তো আমাদের মানে আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড হয়ে যায়। সন্দেশখালি ইস্যুটাকে একটু ব্যাকে চলে গেছিল। আমি আইপ্যাককে আর পয়লা ভাইপোকে ধন্যবাদ দেব যে সন্দেশখালির ইস্যুটাকে আবার জাগিয়ে দিয়েছে এবং ফেক ভিডিওর এগেনস্টে তৃণমূলের গুন্ডারা কাল যেভাবে জনতার হাতে ধোলাই খেয়েছে আগামী দিনে এই একই পরিণতি ভাইপোর হবে, একই পরিণতি হবে।
আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।